गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो गाइज, स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। आई होप कि आपको हिमाचल स्कीम्स जो हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो हैं। मैंने आपका ये सेशन जो है थोड़ा सा छोटे सेशंस लिए हैं ताकि आपको हर एक स्कीम जो है प्रॉपरली याद हो जाए, प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें आपका, हमने कल जो स्कीम्स की थी, आज फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं। तो पहले मैं कह देती हूँ कि मैं माफ़ी चाहूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेशंस के साथ बने रहना। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो स्कीम्स है आपने की, हिम केयर स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, देन उसके बाद आवास योजना, आजीविका योजना, ये सारी की हैं, माई गवर्नमेंट ऐप, उड्डयन पोर्टल। तो आई होप कि आपको स्कीम्स क्लियर होगी। देखिए, हिमाचल में बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसा मत सोचिए कि स्कीम्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। पहली चीज़, आपको स्कीम्स का सेशन कैसा लगा? अगर स्कीम का सेशन अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए। हम इन स्कीम्स से रिलेटेड आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी लाएंगे। और बहुत जल्दी जो है, किसी ने कल मुझे लिखा था कि मनीषा ठाकुर आई थिंक, कि मैम आप ज्योग्राफी नहीं करवा रहे हो। देखिए, ज्योग्राफी के जो सेशंस है ना, रिवर्स वगैरह, वो करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगी, अब वेट कीजिए, वो भी सेशंस होंगे। क्योंकि ज्योग्राफी का हमने वो पार्ट कवर कर लिया था, फिजियोग्राफी कवर कर ली थी। अब जो है, क्योंकि मुझे जैसा टाइम मिला मैंने वैसे सेशंस लिए हैं। आप स्कीम्स पे, क्योंकि HAS का पेपर आ रहा है तो स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो। और एक आपका जो करंट अफेयर का सेशन है, आपका हिमाचल करंट अफेयर्स का, स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं वो सेशंस अभी नहीं ले रही। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, अभी नहीं ले रही, मैं उसको लूँगी पर थोड़ा सा बाद में। मतलब आप ये सोच के चलिए कि अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में इसलिए लूँगी क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, एक रीज़न। दूसरा रीज़न, जब हम लाइव आएंगे, जब आप मुझे लाइव लाओगे तभी जाकर वो करंट अफेयर्स का सेशंस शुरू करूँगी और उसको अच्छे वे से शुरू करूँगी, ठीक है? और जितने भी सेशंस हैं, बस इतना कहूँगी, जस्ट जोक्स अपार्ट, की बस सिर्फ अपने एक बटन दबाना है, क्लिक लाइक का, शेयर का और सब्सक्राइब का। इतना अगर आप मेरे लिए कर सकते हो तो प्लीज़, ये बहुत बड़ा जो हो सकता है, एक हेल्प होगी, सपोर्ट होगा। तो प्लीज़ चैनल को जब देखते हैं तो जब भी आपको लगे तो एक बटन दबाना है आपने, सिर्फ लाइक का, शेयर का एंड सब्सक्राइब का। तीन बटन्स हो गए ना, एक एक बटन मीन्स तीन बटन्स। तो तीन बटन्स को दबाने के लिए आपका आई थिंक एक फिंगर टिप का काम है। तो प्लीज़ कीजिए, ताकि चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हो कीजिए, शेयर कीजिए आने वाले। और प्लीज़, हिमाचल GK का जो सेशन है ना, 7 से 8 वाला, वो ज़रूर देखिए। उस सेशन को किसी ने लिखा था बेस से करवाइए। देखिए, ये बेस चल रहा है, वो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो हिमाचल जी के एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा सेशन है जिसमें नंबर नहीं कटवाने चाहिए। कभी भी नंबर कट गए आपकी मैरिट डाउन हो सकती है। धीरे धीरे स्टैटिक GK, जो आपका बेसिक GK, आपने देखा होगा संडे की क्लासेस में बेसिक GK चल रहा है, तो वो बेसिक GK भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक GK हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ये सारे सेशंस का एक कंपाइलेशन आएगा, वो कुछ नए वर्शंस में आएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करना। ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, वरना आप बोलोगे कि मैम आप फालतू में बहुत बोलते हो। कई हैं जो बोलते हैं ऐसा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, अब क्या है? अब हम करते हैं, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना क्या है, इसमें क्या है? स्टार्टेड इन 8 इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड 3 प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये है क्या स्टार्टअप योजना, मतलब क्या होता है? इस स्टार्टअप योजना में ये कहा गया है कि आपके जो कहते हैं ना कि नए लोग, जितने भी, एक तरह से CM ने जो है एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि नई स्टार्टअप योजना की जाएगी। जितने अच्छे, मतलब हर एक स्किल्स को, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग जो सबसे अच्छा काम करेंगे, जो अच्छी इनोवेशंस करेंगे, उनको जो है अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, बेस्ट अवार्ड्स दिए जाएंगे। जो अपने लिए, जैसे मान लो किसी फील्ड में किसी ने टेक्नोलॉजी शुरू की, तो उस टेक्नोलॉजी को हायर लेवल पे ले जाने के लिए एक नया इनिशिएटिव, जो इस मुख्यमंत्री योजना का कहना यही है कि जितने भी लोग एक नया इनोवेशन कुछ लेकर आएंगे जो बेनिफिशियल होगा, उसको जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो दैट इज़ द स्टार्टअप योजना।
नेक्स्ट आती है जनमंच योजना। आपको मैंने बताया था एक माई गवर्नमेंट पोर्टल, माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है 2014 में किसने यूज शुरू किया था, आपके मिस्टर मोदी ने। उसके बाद जो है ये स्टार्टअप योजना किसने शुरू की, ये माई गवर्नमेंट योजना जो है मुख्यमंत्री ने शुरू की थी। उसमें था क्या, पब्लिक की पार्टिसिपेशन, पब्लिक जो है गवर्नमेंट साइट पे जाकर अपना कोई भी फीडबैक दे सकती है, अपनी कोई भी इंक्वायरी दे सकती है। सेम थिंग विद द जनमंच योजना। जनमंच इसमें क्या है, जो भी सीएम है उन्होंने ये कब, 2019 के बजट से शुरू हुआ था, 2019 के बजट के अकॉर्डिंग, यानी 2018 3 जून से 2018 में ये शुरू हो गया था, जिसमें इसमें किसमें रिवील किया था, 2019 के बजट में। तो उस बजट में भी ये कहा गया था कि एक जनमंच योजना शुरू की गई है। ये जो जनमंच योजना है, जैसे पहले माई गवर्नमेंट पोर्टल में तो आप ऑनलाइन लिख रहे हो, यहाँ पे लोगों की शिकायत सुनी जाएगी। मतलब हर गांव में जाकर, हर जगह पे जाकर सीएम जो है हर गांव में जाएंगे, हर एरिया में जाएंगे, वहाँ पे एक जनमंच रखा जाएगा जिसमें जो है लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी क्वेरीज को, अपनी इंक्वायरीज को रखेंगे। दैट इज़ द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सीएम एंड पीपल। इस द जनमंच योजना का मतलब क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन द सर, यानी आपके सीएम, एज वेल एज आपके जो है पीपल। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, तो मेरा आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइव सेशंस जिसमें आप लेना चाहते हो। और कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं, मैम जल्दी लाइव आइए। लाइव आप मुझसे डिमांड कर रहे हो ना, तो मैं आपसे ये डिमांड कर रही हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी जाकर तो मैं आपकी ज़रूरत को पूरा कर पाऊँगी। मुझे तो आप ये बोल रहे हो लाइव आइए, आप कब आओगे, आपके डिपेंड करता है। आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई सरप्राइज मिल जाएगा, लेकिन उस सरप्राइज के लिए आपका साथ चाहिए। मैंने 15 दिन पे आपको बोला है, देखते हैं आप कितना मेरा साथ देते हैं। तो जनमंच योजना में आपको 3 जून जो 2018 में, इट्स द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सीएम एज वेल एज पीपल, जिसमें ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी, और जो शिकायतें होंगी उनको सीएम ने प्रॉमिस करेंगे कि वो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जनमंच योजना 2018 से चली, अभी भी चलती है, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं जनमंच योजना। जैसे अभी पीछे हमने करंट अफेयर्स किया था कि ये लाहौल गए थे, देन पछाड़ गए थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने जनमंच योजना लगाई थी जिसमें लोगों की शिकायतें सुनी, लोगों की क्वेरी सुनी उनसे है। ठीक है, तो ये है इसका साइन। नेक्स्ट, तो ये स्टार्टअप योजना है और जनमंच योजना जो कि 3 जून को शुरू हुई। अब आता है स्वच्छ भारत मिशन। देखिए स्वच्छ भारत मिशन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का कहना क्या है कि स्वच्छ भारत, आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 सेकेंड अक्टूबर, किस दिन, महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, गांधी जयंती वाले दिन ये शुरू हुआ था। और 2019 में इसका वन फेज ख़त्म हो चुका है। अब ये 2019 से लेकर 2024 तक इसका सेकेंड फेज चल रहा है। ठीक है, इसमें जो है गांधी जी का चश्मा, दैट इज स्वच्छ भारत। मतलब आपको पता है जब 2014 में चले थे तो हमारे मिस्टर मोदी ने भी जो है जगह जगह पे सफाई की थी, जगह जगह पे सफाई की थी। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका मेन काम क्या है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट है उस सॉलिड वेस्ट को जो है सारा हटाना, ताकि हर टाउन को हर जगह क्लियर करना है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन में आपकी स्वच्छता अभियान में हर जगह जो है सैनिटेशंस प्रॉपर है, कचरा जो है प्रॉपरली, बिन्स लगाए जा रहे हैं, डिफरेंट बिन्स, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ब्लू, ऐसे बिन्स लगाए जा रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे ख़त्म करना है, उन सब के जो है प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। तो वैसे ही यही स्वच्छ भारत मिशन जो है ये शिमला में मिस्टर जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले किसको लॉन्च किया, इन्होंने ये कहा कि हिमाचल को पॉल्यूशन फ्री और अर्बन फ्री बनाना है। ठीक है, तो ये किसने कहा, आपके मिस्टर जयराम ठाकुर ने। तो इनका स्वच्छ भारत मिशन का मेन ये काम आपके शिमला में यानी हिमाचल में भी चला, जहाँ पे जो है पॉल्यूशन फ्री और अर्बन एरियाज ऑफ द एनवायरनमेंट, और कितनी मेगावाट ऑफ द एनर्जी जो है वो कितनी से बन रही है, 42 करोड़ जो है इसमें लग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में।
कि जितनी भी वेस्ट एनर्जी है उससे जो है एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा है, जो कि जिसमें जो लागत है वो कितनी है, 42 करोड़। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट शिमला से, ये याद रखना क्या है। और ये आपको पता है कि हिमाचल भी जो है एक वन ऑफ द पॉल्यूशन फ्री स्टेट है। वैसे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में है, और सबसे क्लीन सिटी जिसको बोलते हैं दैट इज़ इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन चला 25 जून 2015। ये स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है कि एक से कोई भी, मतलब 120 सिटीज़ को जो है एक प्रॉपर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाइज जो है एक स्मार्ट सिटी बनाना। स्मार्ट सिटी मतलब उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ चेंज करना। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकती हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब है टू जो भी सिटी है उसका पूरा मेकओवर कर देना, उसको पूरी एक नई ब्रांड में लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट सिटी मिशन। कि मतलब अगर, मतलब उस एरिया को अगर एक मेकओवर करना, तो उसके रोड्स, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसकी मार्केट, उसकी शॉपिंग प्लान्स, उसकी इन्वायरमेंट, हर एक चीज़, उसको आने वाले टाइम पे जितने भी रिसोर्सेज हो उसको कितना सस्टेन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आती हैं। तो जो आपका स्मार्ट सिटी है जिसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, इससे क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी होगी तो लोगों को फ़ायदा होगा, फ्री वाईफाई मिलेगा तो लोगों को फ़ायदा होगा, रोड्स अच्छी होंगी तो गाड़ियाँ अच्छी चलेंगी, लोगों को इजीली आना जाना सही रहे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, एजुकेशन अच्छी होगी। तो पहली, सबसे पहली चीज़ तो मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, रोड्स, एग्रीकल्चर, सोर्सेज ऑफ द रिसोर्सेज, इन सभी चीज़ों को एक जगह पे प्रॉपर लेना, ताकि किसी को भी कोई इधर, मतलब उस जगह को छोड़ के कहीं आना। एजुकेशन हमारा मस्ट है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मस्ट है, हमारी टेक्नोलॉजी। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो 25 जून 2000, उसके अंतर्गत क्या आता है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, कि आज का इन्वायरमेंट भी सेफ रखो और आने वाले इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना है, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट, पार्क्स बनाए जाएँ, लोगों को वॉक करने के लिए कोई नई स्कीम्स चलाई जाएं, ये सब। तो इसके लिए जो स्मार्ट सिटीज किस किस को बनाया गया, फर्स्ट सबसे पहले किसको चुना गया, धर्मशाला को, और सेकंड किसको बनाया गया है, शिमला को। अब एक और आ गई है, मंडी को भी सोचा जा रहा है। तो सबसे पहले तो धर्मशाला एंड सेकंड वन इज शिमला, जिसपे जो है काम चल भी रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका हिंदी का सेशन। ठीक है, किस किस को भाई यहाँ तक क्लियर है और किस किस को सेशन अच्छा लगा, इज इट फ्रूटफुल? मैं आपसे चैट पे भी पूछती हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इज इट फ्रूटफुल या नहीं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखते हैं कि कितना शेयर करते हो भाई, आपको शेयर करने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए अब आता है सक्षम गुड़िया बोर्ड और गुड़िया हेल्पलाइन। सक्षम गुड़िया जो है दैट इज गुड़िया क्या होती है, एक गर्ल, छोटी लड़की। आजकल आपने देखा है लड़कियों के लिए क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई भी फीमेल सिक्योर नहीं है, अपने आप को कोई भी सिक्योर नहीं मान सकता, कोई भी छोटा बच्चा भी आज सिक्योर नहीं है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी, लोगों में अगर आज एक्टिवनेस आई है तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी भी खराब हुई है। तो उसके बेसिस पे एक सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है ये किसके बेसिस पे बनाया गया, कल्याण बोर्ड और ना जो होता है ना कन्या सशक्तिकरण, कन्या सशक्तिकरण स्कीम। ठीक है, जिसमें गर्ल्स को जो है क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, गर्ल्स को जो है पावर दी जाती है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कन्या सशक्तिकरण। ठीक है, कन्या सशक्तिकरण और कल्याण बोर्ड, इसके द्वारा जो है एक सक्षम गुड़िया बोर्ड बनाया गया है। ये जो है आपका सक्षम गुड़िया बोर्ड, ये आपका देखिए ये कब बनी थी, जुलाई 18 तक। ठीक है, तो जिसमें जो है सक्षम गुड़िया में क्या है कि जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल चाइल्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट क्राइम। ठीक है, जिसके लिए किसे चुना गया, रूपा शर्मा, ये हैं रूपा शर्मा जिनको चुना गया है। इसके अंदर कौन आता है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भी आता है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड आपका वुमेन डेवलपमेंट भी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब जो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर भी बन गया है 1515, और अगर आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है दैट इज 1100। ठीक है, तो ये जो है आपका गुड़िया हेल्पलाइन नंबर भी पूछा जा सकता है,
ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी मैं आपको हेल्पलाइन नंबर्स बताऊंगी क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है आपकी, ये रूपा है, रूपा शर्मा है, जिनको जो है चुना गया है। और इनका जो है मेन क्या है कि इन्होंने इस रिकमेंडेशन में क्या कहा गया है कि जो गर्ल्स हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड की, हर लड़की को प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट, उनको सेफ्टी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए और उनको क्राइम से बचाया जाए। तो इनका मेन क्राइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज़ हरासमेंट, दैट इज़ रेप। इन सब से जो है आजकल जो फीमेल्स हैं, आपने देखा होगा कई न्यूज़ में ऐसे भी आता है कि इस फीमेल के साथ ऐसा कर दिया गया है, एक छोटी फीमेल के साथ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आती हैं, दैट शुड बी वेरी रेडिकुलस। तो उस टाइम से जो है ये चीज़ें जो हैं, मतलब इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। वैसे देखा जाए हर फीमेल स्ट्रांग भी है, तो फीमेल्स को कभी जैसे बोल सकते हैं ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बट फीमेल्स कहीं ना कहीं आकर वीक पड़ती हैं, तो उनके लिए ये जो है सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है, ताकि गर्ल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको एक्टिवेट करना, उनको नॉलेज देना, उनको अपलिफ्ट करना, ये सब सक्षम गुड़िया बोर्ड का है, जो किसके अंदर आता है? कन्या सशक्तिकरण और कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी, ये दिसंबर 2019 में शुरू हुई, एक बूटा बेटी के नाम। एक बूटा बेटी के नाम पे क्या है कि ये जो है आपको किट देंगे, 5 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें किट में आपका पौधा लगाने का सिस्टम, बैग होता है, टूल किट्स होती हैं, ये सारी है। तो इसमें क्या है कि एक बूटा बेटी का नाम, दैट इज़ टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल, इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल, कि जिस परिवार में कोई लड़की होगी उसको 5 पौधे जो हैं अपने आसपास लगाने हैं। तो उससे क्या होगा, एक बूटा बेटी के नाम की मतलब, अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को जो है कहा जाता है कि भाई लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। कई जगहों पे आज भी है, इतना एडवांस होने के बाद भी कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आज भी गर्ल चाइल्ड पे प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बॉय चाइल्ड पे दी जाती है। पर अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी, गर्ल एंड बॉय में कोई डिफरेंस नहीं होता, गर्ल भी यही होती है और बॉय भी होता है। हर कोई, बॉयज़ भी जो हैं वो अपने पेरेंट्स का सोचते हैं, गर्ल्स भी सोचती हैं, बट सिर्फ कुछ मेंटालिटीज़ की खातिर जो है गर्ल्स को जो है मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। तो उससे उन सारी चीज़ों को, कि गर्ल्स की इम्पोर्टेंस बताने के लिए एक स्कीम चलाएगी, एक बूटा बेटी के नाम, जिसमें जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉटर्स एंड द फॉरेस्ट, कि जिस तरह आप फॉरेस्ट को काटते हो तो कहीं ना कहीं नेचर ख़राब होगी। अगर एक लड़की लगती है तो अगर आप लड़की के नाम पे 5 बूटे लगाओगे तो कल को वो भी आपको फल ही देगी। एट लास्ट अगर देखा जाए तो लड़कियां ही काम आती हैं, एक फीमेल ही होती है जो लाइफ को सबकी सेट करती है, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई डॉटर हो, ठीक है। ये कोई मैं आपको भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ कि आज की सोसाइटी, आज भी ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक बूटा बेटी के नाम क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ, इससे क्या होगा, बेटी जिस तरह बेटी इम्पोर्टेंट है कि बेटी को अगर अच्छे से पालोगे अच्छे से तो कल को वो जो है एक अच्छा परिवार और एक अच्छा नाम कमा सकती है। सेम थिंग विद द फॉरेस्ट, कि अगर आप पेड़ काट रहे हो तो कल को हमारी नेचर खराब होगी, अगर आप पेड़ को उगाओगे तो कल को हमारी नेचर फलेगी फूलेगी। फीमेल्स ही हैं, अगर फीमेल्स नहीं होंगी तो लाइफ कैसी चलेगी। तो सेम थिंग विद द इम्पोर्टेंस कि इस बूटा, एक बूटा बेटी का नाम क्या है कि जिस घर में एक लड़की होगी उसको जो है बूटा जो है मतलब वो फैमिली को 5 बूटे मिलेंगे जो बूटे लगाने हैं, उसके बाद जो है उसके साथ किट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अनुदान भी मिलेगा। एक और था जैसे मैरिज के लिए भी चलाई गई थी स्कीम की, जिसमें जो है 20,000 रुपीज जो है हर फीमेल को उसको मिलेगा जिसके घर में एक लड़की है, दहेज के लिए, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ ये वाली कर लेते हैं, जनधन योजना, ठीक है। उत्तम पशु पुरुष पुरस्कार योजना, ठीक है, उत्तम पशु पुरस्कार योजना, सॉरी। तो ये जो है ये कब चली, 2017 से 2018 तक कब चली ये स्कीम, जो है 2017-18 में आई थी। इसमें क्या है कि जिसके घर में
सबसे बेस्ट ब्रीड्स के जो हैं उन गवर्नमेंट ने उन फार्मर्स को एनकरेज किया है जिनके पास बेस्ट ब्रीड्स ऑफ काउस या कैटल्स हैं जो 15 लीटर्स और उससे ज़्यादा मिल्क देंगी उनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए जो लोग जानवर पालते हैं जिसके घर में सबसे बेस्ट ब्रीड होगी जो 15 लीटर या उससे ज़्यादा जो है आपका दूध देगी तो उन फार्मर्स जो अच्छे से रेयर कर सकते हैं अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन को क्योंकि कल को डेयरी फार्मिंग से ही इकोनॉमी बढ़ती है तो उनको जो है एक आपका जो है मिल्क देने की बात की गई है। ठीक है, मतलब अवार्ड दिया जाएगा जो क्यों उत्तम पर देखो तो उसकी रेयरिंग करोगे उसको अच्छे से पालोगे तभी जाकर वो जो है एक अच्छा लीडर। तो जो इसकी सिंपल आउटलेट समझिए कि उत्तम पशु पुरुष का जो फार्मर अपने पशुओं को प्रॉपरली रेयर करेगा अच्छे से अच्छी ब्रीड को अच्छे से अच्छी पैदावार खिलाएगा प्रॉपरली केयर करेगा और अगर वो काउ 15 लीटर से ऊपर दूध देती है तो इसका मतलब उसको क्या दिया जाएगा प्राइस दिया जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। किसान सम्मान योजना का मतलब क्या है कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको इतने एकड़ लैंड दी जाएगी जिसके अंदर जिसके पास लैंड है उसको इतनी दी जाएगी। मान लीजिए इस योजना के अंतर्गत 6,000 पर एनम द फार्मर हैविंग लेस देन 2.0 हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसके पास 2 से कम हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसको 6,000 पर एनम दिया जाएगा 6,000 पर एनम। ठीक है, और जो जनवरी में 2021 तक इतने जो है 926,830 फार्मर्स जो हैं वो बेनिफिट हो गया और उसका जो आउटले कितना खर्चा है 116,937। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना क्या है किसान हमारा पूरा इंडिया किसान पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है तो एग्रीकल्चर के लिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते लेकिन उनको लैंड चाहिए अगर वो खेती बाड़ी करेंगे तो अपने आप को सेल्फ सफिशियंट बनाएंगे तो उसके लिए किसान सम्मान योजना दी गई है जिसमें जो है 2.0 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसमें 6,000 जिस मान लो जो भी फार्मर है उसके जो भी किसान है उसकी लैंड जो है इतने हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम है तो उसको 6,000 उससे ज़्यादा उससे भी कम है तो उसको 12,000 इस तरह से आउटलेट दिया गया है और ये जो है कब तक अप टू जनवरी 2021 तक इतना लागत लग चुकी है। मैं फिर से कह रही हूँ ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे उसमें से ये सारा डाटा लिया गया है तो इट्स रिलायबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनधन योजना। ये कब की ये 15 अगस्त और देखो इसको अनाउंस कब किया गया था 15 अगस्त जब पहली बार मिस्टर मोदी जो है लाल किले पे जस्ट स्पीच दे रहे थे और 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया। अनाउंसमेंट तब हुई थी शुरू ये 28 अगस्त से हुई थी। कोई भी इंडियन चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन सेक्टर का हो उसको टू द मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम उसको जो है मतलब इस स्कीम का क्या है जनधन योजना की ये जो स्कीम है इसमें बेनिफिशियंस दिए गए हैं बेनिफिट्स दिए गए हैं कि हर एक इंडिविजुअल चाहे वो अर्बन सेक्टर का है चाहे वो लोकल सेक्टर का है उसको बैंक में खाता बनाना है उस बैंक में जो है वो खाता खोला जाएगा उसको जो है सिक्योरिटी रूल्स दिया जाएगा मेरा खाता भाग्य विधाता मीन्स वहाँ पे जो है उसको इतना इंश्योरेंस दी जाएगी कि वो अपना खाता खोल सके और उसका जो बेनिफिट है वो आगे होगा। तो इसमें जो है बैंक के हर एक बैंक को बोल दिया गया है कि ये खाता जो है खोला जाएगा इस खाते में जो है लोग अपने जो है इतना गवर्नमेंट उनको पैसा देगी बैंक उनको इतना लोन देगी 5 लाख का उसके बाद वो जो है अपनी जो भी कहीं भी खोले ये नहीं है कि किसी भी बैंक में खोल सकते हैं कहीं भी वो एटीएम चल सकता है रुपए एटीएम को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है तो उसमें वो अपने आने वाले टाइम को सिक्योर्ड कर सकें जिसकी वजह से आज खाता खोला है तो उसका जो बेनिफिट है उसको लॉन्ग टर्म में मिल सके। दैट इज़ कॉल्ड जन धन योजना जो कि किसने शुरू की थी सबसे पहली योजना और ये सबसे बड़ी योजना है सबसे बड़ी स्कीम जो है दैट इज़ कॉल्ड द जन धन योजना जो सबसे पहली और सबसे बड़ी योजना कहा जा सकता है इसको गोल्डन योजना भी कहते हैं
कि ये सबसे बड़ी योजना है जिसने मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दिया है, मैक्सिमम लोगों ने खाते खोले हैं और मैक्सिमम उसने फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे वो उनकी एजुकेशन के लिए है, चाहे उनकी लाइफ के लिए है, चाहे मैरिज के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो आज का सेशन मैं यहीं तक ले रही हूँ, इसके बाद एक और सेशन लगेगा जो थोड़ी बहुत दो तीन स्कीम्स रह गई हैं उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका जो है एक नया सेशन लेकर आऊँगी। देन तब तक अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं अभी बहुत स्लो चल रही हूँ, मुझे भागना नहीं है, आराम से करवाना है ताकि एक बार आपका सिलेबस पूरी तरह से हो जाए, फिर जब हमारे पास सिलेबस हो जाएगा, प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस सेशन है। बट 7 से 8 की क्लास गाइस जरूर देखिए, वो प्रैक्टिस सेशन है, उसको शेयर कीजिए, जिनके आने वाले पेपर हैं उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद है। यहाँ से उसकी डिटेल तैयारी हो रही है तो उस साइड आपका MCQs तैयार हो रहा है, तो दोनों साइड बाय साइड आपको चल रहा है, कहीं से भी आपको लैग करने की कोशिश नहीं है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, अगर सेशंस अच्छे हैं तो सेशंस को शेयर भी कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे फिट। प्लीज़ लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना।